सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, और आज हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की, जो कि 29 जून से शुरू होने जा रही है। लेकिन इस यात्रा के लिए कल यानी कि शुक्रवार की सुबह जम्मू से शिव भक्तों का पहला जत्था निकलेगा। जम्मू में यात्रियों के लिए सुविधा के क्या है इंतजाम, सुरक्षा की क्या है तैयारी, इसे विस्तार से हम आपको बताएंगे। पहलगाम और बालटाल के साथ श्रीनगर में यात्रियों के लिए प्रशासन ने क्या तैयारी की है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए सेना और सुरक्षा बल के जवान कैसे एक्शन में हैं, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। यात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले डोडा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए क्या है तैयारी, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं जम्मू में बड़ी तादाद में पहुंचे शिव भक्तों की। आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों से और विदेश से भी बड़ी तादाद में शिव भक्त जम्मू में जुटने लगे हैं। बेस कैंप जाने के लिए जम्मू पहला पड़ाव है, इसलिए जम्मू इस वक्त भक्ति के रंग में रंग चुका है। देखिए हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट की ये रिपोर्ट, और समझिए कि यात्रा को लेकर लोगों में कैसा जोश है। प्रतीक्षा समाप्त हुई और इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा की शुभ घड़ी आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है देश भर से आए हैं और इनमें जोश देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के जो भक्त आए हैं, डमरू बजाकर जो है खुशी का जो है इजहार कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, हाथों में त्रिशूल लिए, ढोल लिए, भगवान भोलेनाथ का जय घोष हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। श्रद्धालु देश भर से यहाँ पहुंचे हैं, इनमें भारी उत्साह है, प्रसन्नता देखिए कितनी है। इनमें ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, डमरू बजाया जा रहा है और भगवान भोलेनाथ का जय घोष यहाँ पर हो रहा है। हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भक्तों से बातचीत करते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से। क्या बात है, आप तो भगवान भोलेनाथ की नगरी से आए हैं और आप स्वामी अमरनाथ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति है? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, और अपने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर हम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले हैं। उनके ही दर्शन के लिए हम सब कोई मगन एक साथ निकले हैं एक ही नगर से। अभी अपना पूरा ग्रुप करीब 30 लोगों का है। पहली बार आए जी? ये हम लोग का दूसरी बार है, कुछ लोग का पहली बार है, कुछ लोग का 8 बार रह चुके हैं। आप बताइए आपका शुभ नाम? हमारा आकाश सैनी नाम है। आप कहाँ से आए? काशी से। आप भी काशी से आए हैं? आप तो बिल्कुल हाथ में डमरू लिए हैं। बाबा जी की कृपा है, हम दूसरा साल डमरू लेकर आए, हमारा 7वां इस बार जत्था है। अच्छा, 7वीं बार आ रहे जी? 7वां बार। एक बार डमरू बजा दीजिए, जय घोष कर दीजिए सभी। डर तो नहीं है आतंकवादियों? नहीं है, कोई डर हमारे मन में नहीं है, कोई डर नहीं। यही सब बाबा बुलाते हैं, हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि बाबा हमें हर हमेशा हर ताल बताए बुलाते रहे हम लोग की, जब तक हम लोग की शक्ति रहे बुलाते रहे। पवित्र गुफा में जब पहुंचेंगे आप स्वामी अमरनाथ के, जब आप दर्शन करेंगे, क्या मांगेंगे उनसे, क्या प्रार्थना करेंगे? हम लोग इस भारत के साथ साथ एक सनातनी है, बाबा विश्वनाथ से यही चाहेंगे कि हमारा देश में अमन शांति और सबके साथ विकास हो, सबका विकास हो, वृद्धि हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सबका साथ सबका विकास, हर हर महादेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं ये कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की पवित्र गुफा में जब ये पहुंचेंगे तो वहाँ पर ये देश की सुख समृद्धि शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप देखिए जोश देखते ही बनता है, यहाँ पर डमरू बजाकर हर हर महादेव का जयघोष कर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। वीडियो जल्दी सीरज कुमार के साथ, मैं सुनील भट्ट, जम्मू GNT। कल सुबह 5 बजे जम्मू के यात्री निवास से शिव भक्तों का पहला जत्था रवाना होगा। जो यात्री इसमें शामिल हैं वो इस वक्त यात्री निवास में आ चुके हैं। पूरी सुरक्षा के साथ उनको आगे घाटी के रास्ते पर भेजा जाएगा। 52 दिन चलने वाली इस यात्रा के लिए अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन ये तादाद बहुत ज्यादा होने वाली है। सभी यात्रियों के लिए जम्मू पहुंचने से लेकर बेस कैंप जाने तक हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है, खास करके सुरक्षा का बड़ा पुख्ता इंतजाम है। देखिए ये रिपोर्ट।
श्रद्धा है, भक्ति है, जोश है। बाबा बर्फानी के नाम का जयकार है, भोले के नाम का उद्घोष है। बाबा के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होने वाली है और उनके भक्तों का जत्था तैयार है। जम्मू में देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त जुटे हैं और तादाद बढ़ती जा रही है। जम्मू से होकर बेस कैंप पहलगाम और बालटाल और फिर वहां से यात्रा की शुरुआत। 29 जून को पहले जत्थे का सफर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जम्मू में टोकन लेने और पंजीकरण के लिए शानदार इंतजाम है। जो सरस्वती धाम है, ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो ये परिसर है, जो यहाँ पर जम्मू शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित है, और यहाँ पर टोकन सेंटर बनाया गया है, सरस्वती धाम टोकन सेंटर आप देख सकते हैं। दरअसल जो श्रद्धालु देश भर से भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाहर ही टोकन की व्यवस्था है, यानी कि यहाँ से जो श्रद्धालु हैं टोकन ले सकते हैं और टोकन पर ही फिर उनको जानकारी दी जाएगी कि उनका पंजीकरण कहाँ होगा। हालांकि पंजीकरण जो है लगातार अप्रैल के महीने से कई बैंकों में हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन जो यात्रीगण उस तरीके से अपना पंजीकरण नहीं करा पाए उनके लिए यहाँ पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने व्यवस्था रखी है कि वो अभी भी पंजीकरण करा सकते हैं। यहाँ से जब आप टोकन लेते हैं, इसमें आपका नाम दर्ज होता है, बाकी जानकारी दर्ज होती है, और इसमें लिखा होता है कि पंजीकरण का स्थान, यानी कि पंजीकरण आपका कहाँ होगा। जैसे इन सज्जन का जो है, इस व्यक्ति का जो स्थान जो नियुक्त किया गया है वो पंचायत भवन है, और साथ ही में यहाँ पर जो जम्मू जिला प्रशासन है वो इस तरह की बुकलेट जो है श्रद्धालुओं में बांट रहा है, और इसमें तमाम वो जानकारियां दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दरअसल इसमें जानकारियां दी गई है कि आप कहाँ कहाँ ठहर सकते हैं, ठहरने की व्यवस्था कहाँ कहाँ है, उन तमाम स्थानों का यहाँ पर नाम है, वहाँ के जो इंचार्ज है उनका नाम है, और साथ ही में उनका जो फोन नंबर है वो भी इसमें लिखा गया है। जो प्रमुख स्थान है जम्मू के, जम्मू शहर में एक जगह से दूसरी जगह अगर जाने के, तो उसमें भी लिखा गया है कि ऑटो का कितना किराया है, तो ताकि श्रद्धालु ये अवगत रहे कि उनको कितना किराया देना है। तो ये पूरी तरह से सुविधा रखी गई है यहाँ श्रद्धालुओं के लिए, भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए। और अगर हम देखें तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी आगे आया है और वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का पूरा सहयोग कर रहा है, इसीलिए जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भवन है यहाँ पर जम्मू शहर में, जैसे सरस्वती धाम, कालिका धाम, वैष्णवी धाम, वहां पर भी श्री अमरनाथ जी के जो यात्रीगण आए हैं उनके ठहरने की व्यवस्था है, उनके टोकन लेने की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और सभी एजेंसियां जो है कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है ताकि ये जो यात्रा है काफी सुगम हो और श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। जम्मू में भगवान शिव के भक्तों का उत्साह देखिए, जयकारा लगाते यहाँ तक आए हैं। यहाँ से आगे भी बाबा बर्फानी का नाम जपते जाएंगे, इस भक्ति यात्रा में कोई समस्या ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा का सख्त घेरा है, पुलिस और जवान हर जगह बंदूकों के साथ तैनात हैं, सीसीटीवी कैमरों से पल पल निगरानी हो रही है। आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी पहुंचे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी पहुंचे हैं, और यहां पर जो तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो सभी जिलों में जहां जहां से यात्रीगण गुजरेंगे वहां पर तमाम जो है प्रबंध किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा जो है सुचारू रूप से चले, और जो आला अधिकारी है जम्मू कश्मीर प्रशासन के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो लगातार जो भवन है, यात्री निवास भवन है, वैष्णवी धाम है, वहां पर जा रहे हैं, जो तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं, अगर कहीं पर कमी पेशी है तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। तो अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो प्रबंध जो है, इंतजाम जो है पूरी तरह से कर लिए गए हैं, अगर कुछ कमी पेशी है उसको न देखा जा रहा है और उन पर भी कार्य किया जा रहा है। तो जम्मू जो है, जम्मू अगर देखे तो भक्तिमय माहौल है इस समय, श्रद्धालु जो है देश भर से यहाँ पहुंच रहे हैं, कल सुबह यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू से रवाना होगा। टोकन मिलने और पंजीकरण के बाद अपने शेड्यूल के हिसाब से भक्त यात्री निवास पहुंचेंगे और यहीं से पहला जत्था निकलेगा।
यात्री निवास पर भी तमाम सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। शुक्रवार को इसी आधार शिविर से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होगा। इस वक्त जम्मू भक्ति के रंग में रंगा है। अमरनाथ की यात्रा में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो इसके लिए लोकल भी जुटे हैं। स्थानीय नौजवान भक्तों की मदद कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जी यहाँ सुबह हम 2 बजे से लगे हुए हैं लाइन में और पंजीयन की लाइन लगी हुई है। हम बहुत उत्साहित है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। अमरनाथ बाबा के प्रति जो भक्तों का लगाव है, जो श्रद्धा है, उसको देखते हुए रात से ही बहुत बड़ी संख्या में लाइनें लगी हुई है और भक्तों में इतना उत्साह है कि भूखे प्यासे नींद बिना सफर में भी आए हुए हैं, फिर भी डायरेक्ट लाइन में लगे हुए हैं। सर इतने तादाद में लोग आए हैं कि क्या कहा जाए। लोगों ने डराने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं डरा है, हर कोई यहाँ पे पहुँचा है और जो जाना चाह रहा है वो जा रहा है। बाबा बुला रहे हैं और पहुँच रहे हैं हम लोग वहाँ पे। हर हर महादेव का उद्घोष करते शिव भक्त अपनी धुन में मगन है। मन मंदिर में भोलेनाथ हैं और होठों पर बाबा बर्फानी का नाम है। सभी जल्द से जल्द यात्रा पर जाना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने आराध्य के दर्शन करना चाहते हैं। चुनौती प्रशासन के लिए है कि किसी तरह की त्रुटि ना हो। इस समय जो है तैयारियां लगभग अब अंतिम चरण में है। देश भर से श्रद्धालु भी पहुंच रहा है, वो पहुंचने का उनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। किस तरह की तैयारी है? देखो तैयारी पूर्ण तरह से की गई है। आज जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है, आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ के रजिस्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं। जो पहला जत्था कल निकलेगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेकर के भगवती नगर जाएंगे। यहाँ लॉजमेंट सेंटर, रहने की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था की गई है जिससे कि यात्री अपनी सुखद यात्रा कर सके। रमेश जी मुझे एक चीज बताइए, कल जो यात्रियों का पहला जत्था सुबह सुबह रवाना होगा, कितने कुल यात्री पहले जत्थे में जा रहे हैं? वो तो आज रात तक पता लगेगा क्योंकि यात्री अभी भगवती नगर में जाएंगे, रात तक बैठेंगे, वहां से इनकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, कितने लोग जाएंगे, रात को 12-1 बजे तक पता लगेगा। RFID वगैरह सब RFID दिया जा रहा है, सब कुछ। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें, सुरक्षा की दृष्टि के पूर्ण प्रबंध किए गए हैं, यात्रा में किसी भी तरीके का खलल नहीं होगा, यात्री बेखौफ यहाँ पर आए। और सुरक्षा का जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी सिक्योरिटी एजेंसी पूर्ण तरीके से बंदोबस्त किए। अमरनाथ यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर श्रावण पूर्णिमा तक करीब 2 महीने चलेगी। इस दौरान लाखों शिव भक्त बाबा के दरबार में पहुँचेंगे और बाबा के चमत्कार के साक्षी बनेंगे। भक्तों का जो जोश नजर आ रहा है और रजिस्ट्रेशन के जो आंकड़े हैं, उससे लगता है कि श्रद्धालु नया रिकॉर्ड बनाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से तो तैयारी है ही, श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादारों ने भी जगह जगह लंगर का आयोजन किया है। हर साल हम अमरनाथ के दौरान 2019 से लगातार शिव भक्तों का सेवा का पूरा आनंद लेते हैं। आप सबकी कृपा से और यहाँ आए हुए सभी शिव श्रद्धालुओं की वजह से हम यहाँ पूरे, मतलब कि आज 5वां साल यह हमारा लंगर की स्थापना हो चुकी है। यहाँ पे 5 साल रेगुलर हमें हो गया कि हम इस लंगर को लगा रहे हैं। हम यहाँ पर सर्व करना, जो श्रद्धालु वगैरह आएंगे यहाँ पर स्टे करेंगे, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ। तो मन में कितनी प्रसन्नता है कि आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करेंगे? सर खुशी तो है, एक्साइटमेंट भी है, मतलब कि कुछ नया करने को मिलेगा हमें यहाँ पर और हम कुछ नया सीखेंगे साथ में। जो भी यहाँ पे यात्री हमारे भाई आएंगे उनको हमें उनकी हेल्प करनी है, मतलब जितनी उनकी जरूरत है हम उनकी हेल्प करेंगे। तो यही नहीं कि मतलब कुछ हमें हमारे बुजुर्ग लोग भी आएंगे, हमें मतलब उनकी हेल्प करनी है कुछ, मतलब भक्तों के आने जाने और रहने के साथ उनके लिए मेडिकल का भी इंतजाम है। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बताते हैं अमरनाथ यात्रा कैसे तय होती है, इस यात्रा का रूट क्या है। पहला और पुराना रूट पहलगाम से है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहां से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पर पहुंचती है। इसके बाद यहां से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुंचती है। यह सफर करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है, यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। दूसरा रूट बालटाल से है। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर रास्ते संकरे हैं, लेकिन यदि वक्त कम हो तो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए ये रूट अच्छा है।
पहलगाम बेस कैंप पर यात्रियों के लिए सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मीर फरीद। अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों में है। इस वक्त हम नुनवन बेस कैंप जो है पहलगाम में, यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप है अगर आप इस रूट की बात करें तो, उसके बाहर है जैसे आप देख सकते हैं ये जो है पुलिस पोस्ट बन रहा है और पूरा जो ये बेस कैंप है इसको आसपास से ग्रिल लगा के जो है अंदर टेंट लग चुके हैं, तो पूरी तैयारी है प्रशासन की तरफ से। और यात्रा जो है इस साल 29 जून को शुरू होगी और 19 अगस्त को जो है संपन्न होगी, लेकिन फाइनल टचेस इस वक्त तैयारियों को दे रहे हैं। मैं कैमरा को बोलूँगा आपको उस तरफ भी दिखाएंगे। और जो है यहाँ पे जो फेंसिंग है, फेंसिंग की जा रही है। और दोनों रूट्स की बात करें तो बहुत लंबे रूट्स हैं ये, और पहलगाम का सबसे बड़ा बेस कैंप है, बालतल जो है सोनमर्ग रूट का सबसे बड़ा बेस कैंप है। इस साल अगर प्रशासन का माने तो जो बढ़ोतरी दी गई है, अगर आप जो फैसिलिटीज़ की बात करें, जो सुविधाएं यात्रियों को दी जाती हैं, उसमें काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 2 साल में। चाहे उनके रहने की जो जगह हो, टेंटिंग हो, एकोमोडेशन हो, या फिर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई हैं। ऐसे ही इंतजाम बालटाल में भी है। 2 दिन पहले ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए इस बेस कैंप में 100 बेड वाले अस्पताल का शुभारंभ किया। इस बार श्राइन बोर्ड और प्रशासन का फोकस मेडिकल सुविधाओं पर ज्यादा है। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100-100 आईसीयू बेड का इंतजाम किया गया है। एडवांस उपकरणों वाले 2 अस्पताल बनाए गए हैं। यात्रा मार्ग पर ऑक्सीजन बूथ का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा पवित्र गुफा, शेषनाग और पंचतरणी में 3 छोटे अस्पताल बनाए गए हैं। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर इस बार चिंता ज्यादा है और इसलिए सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत पुख्ता है। असल में इसी महीने जम्मू के इलाके में आतंकियों ने लगातार कई हमले किए। हालांकि सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। आतंकियों को ढेर भी किया गया और उनकी तलाश भी की जा रही है, लेकिन आशंका है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए अमरनाथ यात्रा में गड़बड़ी की कोशिश हो सकती है। मगर शुभ खबर यह है कि यात्रा के 3 दिन पहले डोडा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक तरफ भक्तों का जयकारा है, दूसरी ओर सुरक्षा बलों का एक्शन। शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए निकल रहे हैं और जवान आतंकियों के खात्मे में जुटे हैं। एनकाउंटर की तस्वीरें डोडा जिले की है, जहां गंडरू में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। जब भागने का मौका नहीं मिला तो आतंकियों ने जवानों और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, मगर आतंकी हर तरफ से घिर चुके थे। मुठभेड़ चलती रही और थोड़ी देर में जंगल की ओर भागने की कोशिश कर रहा 3रा आतंकी भी मार गिराया गया। पुलिस टीम को सिनू पंचायत के गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने गांव को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन मिट्टी के घर में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग की और फिर एनकाउंटर शुरू हो गया। इस दौरान पूरे इलाके पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नजर रखी गई और घने जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी रही। सुरक्षा बलों के साथ में, जेके पुलिस के साथ में एक सर्च ऑपरेशन चलाया और जैसे ही हमें घर की सूचना मिली तो उस जगह पर हमने कॉलन किया और कॉलन करने के बाद जब एनकाउंटर चालू हुआ उसके बाद 3 आतंकवादी से मारे गए और इनसे काफी भारी मात्रा तादाद में असला और एम्बुलेंस वगैरह मिला है और पुलिस केस की जाँच लिया आगे और चले टेररिस्ट है, पर इनकी अभी शिनाख्त के लिए हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इस इलाके में सर्च अभियान जो है वो जारी है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन इसके दौरान हम चाहेंगे पता करना कि किन किन लोगों ने इनकी मदद की है और इनकी इस इन्वेस्टिगेशन को मालूम ग्रुप इसमें 3 से 4 ग्रुप प्रेजेंट है जम्मू जोन जो कि मैं मौजूद हूँ और इस इलाके में अभी एक्टिव है जो कि हाल का नया इंट्रोडक्शन। असल में इसी महीने 11 और 12 जून को डोडा में दोहरा आतंकी हमला हुआ था। दोनों हमले चेक पोस्ट पर किए गए थे। 11 जून को चतरगल्ला में सेना पुलिस की चौकी पर आतंकियों ने हमला किया था जिसमें 6 सुरक्षा कर्मी जख्मी हुए थे। इसके बाद 12 जून को गंडहो के कोटा टॉप पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 1 पुलिसकर्मी जख्मी हो गया था। इसके बाद से ही इलाके में घुसपैठ करने वाले 4 आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सभी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।
डोडा से पहले 22 जून को उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को मार गिराया था। उससे पहले 19 जून को बारामूला के हादीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ था, जिसमें दो आतंकी मार गिराए गए। बांदीपोरा में 17 जून की सुबह सुरक्षा बलों ने एलईडी कमांडर उमर अकबर लोन उर्फ जैफर समेत दो आतंकियों को मार गिराया था। कठुआ में भी हमला करने वाले दो आतंकियों को पुलिस और सेना के जवानों ने ढेर किया था। यानी 9 जून को रियासी में हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने लगातार आतंक पर करारी चोट की है। जंगलों और रिहायशी बस्तियों में छिपे आतंकियों की तलाश कर उन्हें ठिकाने लगाया गया है। बहुत बड़ा सक्सेस है, हमने पहले से भी कहा है और कल हमारे एडीजीपी जामू साहब ने कहा, इसमें ये हमने पहले से भी कहा है कि ये जंग हम जीत के ही रहेंगे। हो सकता है हमें छोटा बड़ा लॉसेस उठाने पड़ेंगे रास्ते में, पर हम पब्लिक भी तैयार है, हम भी तैयार है, फौज भी तैयार है, पैरामिलिट्री भी तैयार है, जे एंड के पुलिस भी तैयार है, और यहाँ का पहले बीडीजी एसपीओ सब मिलके एक हमारी तंत्र था, हमने इनको पहले से भी हराया था, अब भी हराएंगे, तो ये उसके आगाज है। रियासी में तीर्थयात्रियों के बस पर हमले के बाद आशंका जताई गई कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए जम्मू समेत कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिया और उसका नतीजा भी सामने है। लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर हमले का खतरा अभी भी बना हुआ है। रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में 35 से 40 विदेशी आतंकी एक्टिव हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी दोबारा घाटी में पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए अमरनाथ यात्रा में भी साजिश रच सकते हैं, इसलिए जम्मू से लेकर कश्मीर और पवित्र गुफा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी है और आतंकियों की हर चाल का जवाब देने के लिए जवान मुस्तैद हैं। सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा पार की साजिश और आतंकी हमले देखते हुए इस बार अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रूट पर 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए जा रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की 635 कंपनियां भी तैनात होंगी। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी पॉइंट पर पुलिस के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रहेगी। जम्मू श्रीनगर एनएच पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बेस कैंप की सुरक्षा को लेकर ज्यादा तैयारी है, वहां 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। 360 डिग्री कैमरों के साथ बॉडी स्कैनर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा, तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता ठाकुर दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।